अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को। ये जीप कंपास आया है मेरे पास में, जो गाड़ी में इंजन मिसिंग और नॉकिंग का कंप्लेंट है। तो इसका पहले भी इंजेक्टर सर्विस हो चुका है, उसके बाद में इस गाड़ी का क्लच सेट गया था, फ्लाईव्हील गया था, जिस वजह से भी इस गाड़ियों में मिसिंग आता है अच्छा खासा। तो इन्होंने क्लच सेट भी चेंज करके देखा, फिर भी रुका नहीं, तो गाड़ी अपने पास आया है। तो मैं जब देख रहा हूँ तो ये गाड़ी अभी मैं हाथ पे दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी का इंजन ऐसे 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 हिल रहा है, क्योंकि वीडियो में ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, पर गाड़ी का इंजन हिल रहा है। गाड़ी मैंने ट्रायल लिया तो गाड़ी में मिसिंग है, नॉकिंग है। मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें मिसिंग और नॉकिंग कैसा है। इस गाड़ी का ये फ्लाईव्हील सेट है जो मिस्त्री साहब ने चेंज किया है, और चेंज किया है बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसका फ्लाईव्हील तो पूरा ख़त्म है। वीडियो में शायद ही इस तरीके से मिसिंग दिखाई नहीं दे रहा है कि, पर ये गाड़ी में मिसिंग तो है ज़रूर, अच्छा खासा मिसिंग है इसमें और नॉकिंग भी है। तो हम एक बार ट्रायल लेके कर दिए, एक बार इसको रास्ते पे लेते हैं, ट्रायल लेकर के भी देखेंगे इसको, इसमें ये क्या गड़बड़। ये जीप कंपास जो हमारे पास में आई है, गाड़ी का कंप्लेंट है इंजन में नॉकिंग है और गाड़ी जर्क कर रहा। तो जर्क के चक्कर में पहले इन्होंने इंजेक्टर भी सर्विस करवाया था, फिर भी जर्क रुका नहीं। तो मिस्त्री साहब ने गियर बॉक्स खोल के फ्लाईव्हील भी उसका चेंज किए, हालांकि फ्लाईव्हील उसका ख़राब ही है और चेंज करने के लायक ही था। तो फ्लाईव्हील भी चेंज हुआ है, पर जो इस कार का जर्क है वो जर्क कुछ रुक रहा नहीं, और नॉकिंग भी अच्छा खासा है। अब यहाँ पे अंदर आवाज़ नहीं आ रही सही से इसकी, और नॉकिंग है और अच्छा खासा जर्क लेके गाड़ी चल रहा है। तो देखेंगे अब इसका जाके हम इंजेक्टर वगैरह खोलेंगे और क्या इंजेक्टर पे निकलता है ये भी देखेंगे कि इससे क्या कमी रह गई, जो इंजेक्टर सर्विस होने के बावजूद भी इस कार का परफॉर्मेंस सही से नहीं हुआ। ये कार को जब डायग्नोस किया, मुझे इंजेक्टर में दिक्कत लगा इसके, इसके लिए मैंने तो इंजेक्टर खोल लिया हो, जाके हम अपने टेस्ट बेंच पे इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है जिससे ये गाड़ी में मिसिंग है। ये अपना टेस्ट बेंच है, कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर भी आता है जिसमें हम अपना इंजेक्टर का पैरामीटर सही है या नहीं है ये भी देख सकते हैं। बहुत कम लोगों के पास में ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह है कि जिसपे प्रॉपर तरीके से काम होता है, जिसकी जानकारी है, हर किस्म का पैरामीटर हम इस पर अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं किधर हमको क्या रखना है टॉलरेंस। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत निकल रहा है। ज़्यादातर हम इंजेक्टर मैनुअल सिस्टम पे ही हम चेक करते हैं ताकि उसका रीडिंग हम प्रॉपर लें। लोग किलोमीटर पर भी अच्छे तरीके से काम करते नहीं ऐसा नहीं, पर मुझे ज़्यादातर भरोसा मैनुअल काम पर ही है। अगर कुछ इंजेक्टर कोड वगैरह जनरेट करना है तो ही मैं किलोमीटर पर लेकर के कोड जनरेट करता हूँ, पर उसके पहले मैनुअल अच्छे से रीडिंग मैं चेक कर लेता हूँ।
ज़्यादातर ये इंजेक्टर का पैरामीटर चेक करने के लिए मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टूल है, और हमारे यहाँ पे हमारे होममेड टूल ही है जो हमारे यहाँ पे वर्कशॉप पर बनाए हुए है, उसके हम काम करते हैं। उस पर हमको भरोसा है, ये डेल्फी वाला टूल है, हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। ये लिफ्ट नापने के लिए है, ये एयर गैप के लिए है, ये हमारा स्ट्रोक टेस्टर है, ये भी हमारा होममेड है, अपने वर्कशॉप पर ही भरा हुआ है, तो उसी पर ज़्यादातर हमारा काम चलता है। जब ये इंजेक्टर अच्छे तरीके से चेक कर लिया गया है तो इसके पैरामीटर में फ़र्क था, इसका पैरामीटर वगैरह सब सेट कर दिया हमने, इंटरनल कुछ पार्ट भी चेंज करना पड़ा वो भी कर दिया। अब हम इस गाड़ी को इंजेक्टर को इस गाड़ी में इंस्टॉल करके रिजल्ट देखेंगे क्या है क्या नहीं। मैं अकेला ही हूँ वीडियो निकालने के लिए, इसके लिए मुझे बार बार पॉज करके ये सब चीज़ें कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो अब मैं वीडियो रोक दूंगा, इंजेक्टर असेंबल करने के बाद में इसका दोबारा से वीडियो बनाता हूँ। गाड़ी को सेल्फ तो मारा इंजेक्टर बिठाने के बाद में, जगह पे तो मिसिंग इसका पूरा गया है, गाड़ी ड्राइव करके देखेंगे क्या तकलीफ आ रहा है क्या। डाल दे बेटा नीचे घूमने, अंदर बैठने के बाद में एक वाइब्रेशन था इसका, वो भी चला गया, देखेंगे इसको ड्राइव करके। तो गाड़ी में प्रॉब्लम यही निकला कि इंजेक्टर का पैरामीटर जो था वो सही से नहीं था इसमें, और इंटरनल पार्ट कुछ ख़राब थे इसके। तो अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा आया, गाड़ी का नॉकिंग मिसिंग पूरा रुक गया, बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी चल रहा है। तो ये गाड़ी में दिक्कत निकली इंजेक्टरों के कमी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई गाड़ी है।